गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को आपके फोर्थ चैप्टर का एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ओके? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, आपका क्वेश्चन नंबर वन क्या है बच्चों? लिंक किसे कहते हैं? मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, तो इसका आंसर है संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे शेर, शेरनी, दादा, दादी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के दो भेद हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। लिंग के दो भेद हैं, होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों में क्या अंतर है? ठीक है, तो इसका आंसर है स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों में अंतर निम्नलिखित है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं या वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे दादी, मम्मी, लड़की आदि। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, पापा, लड़का आदि। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है, नोटबुक में। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? वचन कहलाते हैं या लिंग? तो इसमें आएगा लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द बोध कराते हैं पुरुष जाति का या स्त्री जाति का? पुल्लिंग शब्द किसका बोध कराते हैं? पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री या शिक्षक? इसमें आएगा प्रधानमंत्री। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिक्षक का क्या होता है? शिक्षिका। ठीक है, उसके बाद लिंग के भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो या तीन? दो भेद होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनकर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे बैल, कौन से शब्द हैं ये शब्द दिए हुए हैं, इनके स्त्रीलिंग शब्द चुन के उन पे टिक लगाना है। जैसे बैल, बैल तो क्या होगा बैल का? बैल तो होगा नहीं, गाय। नाना का क्या होगा, मामी या नानी? नानी। मोर, मोरनी या मोरनी? मोरनी। बेटा, बेटी या बेटी? बेटी। पिता, माता या मात्रा? माता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, राजा, रानी या रानी? रानी। दर्जी, दर्जनी या दर्जीन? दर्जनी। दर्जीन। सुनार, सुनारी या सुनारिन? सुनारिन। हाथी, हाथी का होगा हथिनी। पंडित का पंडिताइन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है, क्रिया शब्द से लिंग का अनुमान लगाकर दिए गए शब्दों में उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान। ये कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, इस रिक्त स्थान में सही शब्द, दो दो दिए हुए हैं, सही शब्द भरने हैं। जैसे कि कविता सुना रही है, रही है यहाँ पे, है ना? तो मैंने क्या बताया, क्रिया के अनुसार भी बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कवित्री कविता सुना रही है। ठीक है, फिर आता है पौधों को जल दे रहा है, दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माली। ठीक है,
फिर आता है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, कपड़े धो रही है, रही है तो क्या आएगा, धोबी, धोबिन। ठीक है, फिर किस फिलिंग द ब्लैंक्स ने यह कहानी लिखी है, तो किस लेखक। 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, 100 मीटर दौड़ में धावक ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग शॉर्ट टाइप बुक में करेंगे और क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोटबुक में नोट करके स्कूल में चेक कराने के लिए लेकर आएंगे, और जो नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।